Subscribe to Shimaru Good Health 24/7 and hit the bell icon to stay fit and healthy. आज हर घर में एक ना एक परिवार का सदस्य मधुमेह यानी डायबिटीज का शिकार है। किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी का लिवर खराब हो रहा है, किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। कुल मिलाकर कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। कौन सी औषधियाँ कराएंगी आपको मधुमेह से मुक्त, जानने के लिए सुनते रहिए डेली हेल्थ केयर। तो दोस्तों, जानते हैं ये कौन सी दो औषधियाँ हैं जिनके सेवन से आपको मधुमेह से मुक्ति मिल सकती है। भारत में 5,70,00,000 से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है और 3,00,00,000 से ज्यादा को हो जाएगी अगले कुछ सालों में, ऐसा सरकार का कहना है। हर 2 मिनट में एक आदमी डायबिटीज से मर जाता है, तो इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल ना लें। हमारे आसपास के खराब वातावरण और खानपान की खराब आदतों के कारण डायबिटीज के मरीजों की गिनती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। डायबिटीज के मरीजों में सिरदर्द, थकान जैसी समस्याएं बनी रहती है। एलोपैथिक में इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के पास है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आज हम आपको ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी मधुमेह को जड़ से खत्म कर देगा। हम आपको इस नुस्खे को तैयार करने की विधि के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं इसके लिए किन सामग्रियों की जरूरत है। पहला, 6 नींबू का ताजा रस। दूसरा, 300 ग्राम अजमोद। अब जानते हैं इसकी विधि। अजमोद को धोकर साफ कर लीजिए और नींबू के रस के साथ मिलाकर पॉट में रखें और पॉट को अच्छी तरह से बंद कर दें, यानी कि ढक दें। दूसरी तरफ एक और पॉट में पानी लीजिए और इसमें वो पहले वाला पॉट रख दीजिए और इसे उबालने के लिए आग पर रखें। उबलने के बाद इसे 2 घंटे तक धीमी आग पर रखे रहने दें, लेकिन ध्यान रखें कि मिश्रण वाले पॉट का ढक्कन हटना नहीं है तथा उसे खोलना नहीं है। जब ये मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे जार में डालकर फ्रिज में स्टोर करें। रोजाना 1 चम्मच खाली पेट खाने से आधा घंटा पहले इस मिश्रण का सेवन करें। आप कुछ महीनों के बाद अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवा कर देख सकते हैं, आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। ये 2 औषधियाँ कराएंगी आपको मधुमेह से मुक्त। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि 2 औषधियाँ कैसे मधुमेह से हमें मुक्त कर सकती है। ऐसे ही और क्योर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।